Fala, Carol. हो रही है बहुत अच्छी, ताली बजा दो। कुछ भी हो जाए किसी पर आंकड़ा बैठे हैं शब्द, वो बुद्धा कोई बुद्धा रेल तो सारे बुद्धा, फिर रेल का कितना ही बुद्धा लड़ जाए, रेल तो सारे पॉइंट्स बता दो मान साहब, पॉइंट्स कितने? चार और जीरो, लाल कस्टम के पहलवान के चार और ब्लू के जीरो। पॉइंट बनाने के बाद में डिफेंस करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। कुश्ती लड़के दिखाओ कि भाई अब तो पॉइंट बन गए, अब हम मैं डिफेंस कर ये वार्निंग दो भाई, सुनिए ये ऊपर उठ के हिट करके वो मारता है, मुंह के ऊपर लात मारता है, घुटना मारता है, ये गलत है। आपको जब नीचे से उठाते हैं तो आप मुंह ऊपर पैर मारते हो, ये फाउल है बिल्कुल। लंबे तो याद आया मुझे। ये मैं दर्शकों को बता दूं, 30 सेकंड समाप्त, एक पॉइंट। अगर 30 सेकंड में वार्निंग के बाद पॉइंट दे दिया जाता है तो एक पॉइंट दे दिया जाता, नीले वाले को एक पॉइंट दिया। चार और तीन का स्कोर है, चार रेड और तीन ब्लू के। टाइम खराब मत करो भाई, टाइम खराब मत करो, दोनों ऐसे बैठ के नीचे से निकल रहे हैं, तू जब चित नहीं करना चाह रहा, कुश्ती लड़ो ना, ये कुश्ती थोड़ी रह रही है।
आशीष कुमार चित्राल स्टेडियम योगेश गुरु जसराम इसके बाद तय रहेंगे। थोड़ी कुश्ती बची है, इसे लड़ो, बढ़िया लड़ो, ध्यान से। अगली कुश्ती में ऑफिशियल चेंज, जयवीर रेफरी का कार्य करेंगे, जज का कार्य करेंगे मनोज कुमार, बैठे आनंद प्रकाश। और अशोक कुमार जी से वो टाइम कीपर रहेंगे, टाइम कीपर अशोक कुमार। अगर या तो नहीं रोका, किस लिए टाइम हो गया? नहीं क्यों लगा, टाइम हो गया? टाइम नहीं हुआ, गलत बात है, जब वो एक्शन पे पूरे पे ना, आपको नहीं गलत है, इसे इसमें प्रोटेस्ट करो और इसमें देखो, ये गलत है। जब वो पूरा एक्शन एक्शन ले रहा है और एक्शन लेते लेते क्यों सीटी लग गई आपकी? और रेफरी साहब आप पे मैं ऑब्जेक्शन करूंगा, आप बताते बताते कुश्ती लड़ाते हो और ये भी बोल देते हो कि नहीं पैंट लेना, इसलिए उनको पता नहीं है पैंट लेना है या नहीं करना, किसी को भी ये गलत बात है, इसका ऑब्जेक्शन है, इसमें देखो इसका डिसीजन लो पूरा। अरे वो ठीक है, उधर पहले उठाना चाहिए था जब, लेकिन जब उसने कर दिया तुमने बगैर देखे सीटी मार दी। भाई आप देखो, मैं भी देख, मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ हर कुश्ती। आवाज को ठीक है, नेत्रपाल जी, नेत्रपाल जी आप आके देखो, और ये उनका प्रोटेस्ट नहीं है, मेरा प्रोटेस्ट था। प्रेन है, थोड़ा प्रेन है बीच में, वो धर्मेंद्र भाई ma
आप अपनी जो किताबत हो हर चंद्रग्राम की शादी के साथ क्या कांड की टक्कर चल रही है। जीतू को मारते पहले चार राउंड, जीतू को ऊपर मारते चार पॉइंट, फिर जीतू ने मार दिया। जीतू जब मेजर पॉइंट आया ना, जीतू एक्शन में था विशल विशल मार दी। तो डिसीजन लो, टाइम नहीं है, डिसीजन लेके सही डिसीजन लो। लो ऑन है कैमरा। बाबू पहल संपूर्णता की तबड़ी दवा भी दे चुके हैं। चंद्रपाल जी करो यार, इतना बड़ा काम नहीं है। लेट हो गया मैं जरा सा। सभी रेफरियों से गुजारिश है, कृपा करके रेफरी साहब ध्यान देके, ये तो कैमरा चल रहा नहीं तो बेईमानी हो, फायदा क्या है? आप इसीलिए खड़े हो, कुश्ती कराओ और पहलवाना दोनों जीतारी से लड़ो भाई। सुनो ना, ठीक
सभी दर्शकों से गुजारिश है पहलवान के हौसला अफजाई के लिए ताली तो बजाओ मेरे भाइयों। 8-7 का स्कोर है, लाल कस्टम के पहलवान के 8 और ब्लू के 7 और 32 सेकंड बाकी है, 32 सेकंड बाकी है। रोज रामदेव बाबा कह रहा ताली बजाओगे 8 ठीक रहेगा, सुबेरी जो ना उठा दोपहर को लेकर 8 अंक ताली बजाते रहो, 7 32 सेकंड आपका दिल और दिमाग सही चलता रहेगा। स्कोर होगा, मेरे भाइयों बहुत जोरदार कुश्ती चल रही है, सभी भाइयों से गुजारिश है टाइम कितना रहेगा कौशल 10 सेकंड, जोरदार ताली बजाओ जोश आएगा पहलवानों में। और समय समाप्त, दिल्ली कस्टम के पहलवान विजय रहे। गुरु ने निष्पक्षता पूर्वक जो एक कुश्ती आपके बीच में हो रही है, ये जयप्रकाश जी मिसाल है इस बात की कि अगर टेलीविजन ना होता इधर जयप्रकाश पहलवान जी ना होते तो ये ईमानदारी बेईमानी में बदल रही थी। एक बार पहलवान जी के लिए ताली बजाओ जयप्रकाश जी।